पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है अंडर दी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो लीगल मैंडेट तो हमारे पास है, परंतु जो जन जागृति अवेयरनेस का कंपोनेंट है और एनफोर्समेंट का कंपोनेंट है, उसके लिए अभियान शुरू किया गया है। जब इसके 5 कंपोनेंट्स रखे गए हैं। भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए जागृत जयपुर का शुभारंभ। जुलाई 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंध करना सरकार का लक्ष्य। जयपुर से डब्ल्यू गोस्वामी। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अहम फैसला लेते हुए देश में 1 जुलाई 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने यह फैसला इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की ताज़ा रिपोर्ट पर विमर्श के बाद लिया है। अगस्त 2022 आज़ादी के दिन तक पूरे देश में प्रयोग होने वाली प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग नियमों के तहत बैन होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक को 2 चरणों में बैन किया जाएगा। पहले चरण की शुरुआत जनवरी 2022 से हो चुकी है। इस चरण में कुछ प्लास्टिक की चीजें जैसे प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे और कैंडल स्टिक बैन की गई। वहीं फिर 1 जुलाई 2022 से प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, बाउल, ट्रे, रैपिंग, पैकिंग फिल्म्स, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट आदि चीज़ों पर प्लास्टिक बैन लगेगा। कप, प्लेट, ग्लास, चम्मच, चाकू, ट्रे, स्ट्रॉ, कैंडी और लॉलीपॉप में लगी डंडी सहित अनेक वस्तुओं के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक पहले हमारे घर फिर पर्यावरण में प्रवेश करता है। इन पर रोक से जुड़े निर्णय के बाद बहुआयामी प्रभाव होंगे। सरकार के अनुसार पहले उन वस्तुओं को चरणबद्ध तरीके से बैन किया जाएगा जिनका विकल्प आसानी से उपलब्ध हो सके। वहीं कचरा प्रबंधन प्रणाली के समन्वय की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों को होगी। इसके अलावा कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग पर मोटाई का प्रावधान लागू नहीं होगा। कंपोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माताओं या विक्रेताओं को प्लास्टिक सामग्री की बिक्री या उपयोग करने से पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। IPCC की हालिया रिपोर्ट कहती है कि औद्योगिक काल के बाद से धरती के तापमान में 1.09% की वृद्धि हो चुकी है तथा आशंका है कि अगले 20 साल में 1.5 डिग्री की और बढ़त होगी। रिपोर्ट जिन समाधान परक विकल्पों की ओर संकेत करती है उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक अहम है। मनुष्यों, पशु पक्षियों, वनों और मृदा की सेहत पर प्लास्टिक कचरे के दुष्प्रभाव की चिंताजनक रिपोर्ट हमारे सामने है। दुनिया का हर देश उपयोग कर कचरे में तब्दील कर दिए जाने वाले प्लास्टिक के पर्यावरणीय खतरे से जूझ रहा है। प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण पर चिंता जताई गई है। भारतीय नीति से पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्स्थापना के संयुक्त राष्ट्र के आह्वान को मजबूती मिलेगी। नए नियमों में सरकार उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों पर नकेल कसेगी। हालांकि प्लास्टिक बैग को एक से अधिक बार उपयोग में लाने लायक बनाने के लिए उसकी संरचना में बदलाव भी किए जा रहे हैं। भारत में जूट और बांस आधारित उद्योग की क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। प्लास्टिक पर प्रतिबंध के क्रियान्वयन की अहम जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। पर्यावरण को बचाने के इस साझा प्रयास में कानूनी प्रावधानों के अनुपालन के साथ जन चेतना की बड़ी भूमिका होगी। पर्यावरणीय गुणवत्ता पर्यावरण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर इन नियमों का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके तहत 5 साल तक की जेल के साथ ही 1,00,000 रुपये की जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान लागू किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयपुर कलेक्टर विशाल राजन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक शर्मा, जयपुर हेरिटेज नगर निगम कमिश्नर अवधेश मीणा मौजूद रहे। जयपुर ज़िले में जागृत जयपुर अभियान की शुरुआत की गई है। आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2022 से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है अंडर दी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो लीगल मैंडेट तो हमारे पास है, परंतु जो जन जागृति अवेयरनेस का कंपोनेंट है और एनफोर्समेंट का कंपोनेंट है, उसके लिए ये अभियान शुरू किया गया है। जयपुर में इसके 5 कंपोनेंट्स रखे गए हैं। एजुकेशन, जिसके तहत सभी लोगों में, जन जन में जागृति लाने का प्रयास किया जाएगा। स्कूली बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, युवाओं को, एनजीओस को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को,
इन सब लोगों को इसमें जोड़ के जागृति लाके ताकि प्लास्टिक के नुकसान के बारे में लोग सेंसिटाइज हों और स्वेच्छा से प्लास्टिक को धीरे धीरे छोड़ें और उसके विकल्प की ओर जाएं। दूसरा कंपोनेंट इसमें एंगेजमेंट का है, जिसमें सिलसिलेवार ढंग से सभी जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ समय समय पर मीटिंग्स की जाएंगी और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो इसमें प्लास्टिक के उपयोग को कम करें, धीरे धीरे ख़त्म करें। उसमें मैरिज गार्डन्स हैं, होटल्स वाले हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, थड़ी ठेलों की एसोसिएशंस हैं, तो इन सब से एंगेज जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एंगेजमेंट किया जाएगा। तीसरी चरण में जो एनेबलमेंट है, हम सभी जानते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यदि जाएगा मार्केट से तो उसकी जगह पर विकल्प भी होना चाहिए। तो विकल्प जो है उसमें कैरी बैग्स जो हैं वो प्लास्टिक की जगह पर कपड़े के बने, कागज़ के बने, कंपोस्टेबल के बने, रीयूजेबल के बने, उसके लिए जो उसकी सप्लाई बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको हम प्रोत्साहित करेंगे। हमारा टारगेट है कि अगले 4 महीने में हम मिनिमम 10 ऐसे यूनिट्स स्थापित करने में आगे अग्रसर हो सकें। ऑलरेडी राज्य सरकार की इसमें आई एम शक्ति और लघु उद्यमी प्रोत्साहन योजना चल रही है, जिसमें बहुत कम ब्याज पे लोन दिया जाता है, तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और युवा उद्यमी हैं उनको हम प्रेरित करेंगे कि इसमें आगे बढ़ के रिसाइकलेबल यूनिट्स की ओर एस्टैब्लिशमेंट की ओर कार्य करें। चौथे चरण में हम जो SUB फ्री प्रतिष्ठान घोषित होंगे उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, उनकी सर्टिफिकेशन करेंगे और जो SUP फ्री होंगे उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और पाँचवा जो ई है वो है एनफोर्समेंट, जिसमें नगर निगम, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और संबंधित विभाग जो हैं समय समय पर ड्राइव चलाकर जो प्लास्टिक की पूरी चेन है जिसमें होलसेलर है, रिटेलर है, फैक्ट्रीज हैं। देखिए, नगर निगम आम जन से बहुत सारे डायमेंशंस में जुड़ा हुआ है। बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो हमारे से हमारे बहुत मामलों में हमसे जुड़े हैं, जिस तरह अभी बताया गया कि जैसे मैरिज गार्डन है, रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है और भी बहुत सारे तरीके के हमारे लोग हमसे मिलते हैं, जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र लेने, मैरिज सर्टिफिकेट लेने। हर लेवल पे कोशिश ये की जाएगी, हमारी बहुत बड़ी फ्लीट है व्हीकल्स की, जिसमें चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल व्हीकल है चाहे गवर्नमेंट व्हीकल है,